हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। क्वेश्चन दिया है 5 का 8वां, साइन ए प्लस कौशेक ए का होल स्क्वायर प्लस कौशेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे। तो LHS को हम तोड़ेंगे, साइन ए प्लस कौशेक ए का होल स्क्वायर प्लस कौश ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यह ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या, पहले ए स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे हम, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो टू गुने ए का मान कितना है, साइन ए इंटू कौशेक ए। फिर कहता है टू ए बी के बाद बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना है, कौशेक है, कौशेक ए का स्क्वायर। फिर प्लस है, फिर यह कितना, ए प्लस बी का भी टूटेगा, इसको भी ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो ए प्लस बी का क्या है, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर वाला कितना जाएगा यहाँ पर, कौश ए का स्क्वायर, फिर टू ए बी, तो टू गुने ए का मान कितना है, कौश ए इंटू हो जाएगा सेक ए। प्लस क्या है, बी स्क्वायर, तो सेक ए का स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस इसके बाद यहाँ है साइन इंटू कौशेक। तो साइन इंटू कौशेक का फार्मूला क्या होता है, साइन इंटू कौशेक बराबर होता है, साइन इंटू कौशेक बराबर होता है एक। तो यहाँ साइन इंटू कौशेक बराबर एक होता है, तो यहाँ एक डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू गुने वन, फिर कौशेक स्क्वायर के कौशेक स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, फिर कौश स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, कौश स्क्वायर, फिर यहाँ टू गुने क्या है, कौश इंटू सेक, कौश इंटू सेक के फार्मूला होता है एक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू गुने कौश इंटू सेक के जगह पर एक डाल देंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पर कितना है सेक स्क्वायर, यहाँ पर डाल देंगे हम सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर तुम्हारा सेक स्क्वायर ए दिया है, सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर डालेंगे। अब साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक होता है, ये दोनों के जगह पर क्या एक डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला एक होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जब क्या डाल देंगे, हम एक डाल देंगे, यहाँ एक डाल दिए। अब दो गुने क्या होता है, दो होता है प्लस कौशेक स्क्वायर है, ये दोनों मिला के एक डाल दिए, दो गुने एक हो गया, एक कौशेक हो गया, टू गुने वन क्या होता है, टू होता है, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब ये तुम्हारा दो और दो और एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस कौशेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब यह 5 का क्या होगा, 5 होगा कौशेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 5 और 1 और 1 कितना जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, यही आपका आर एच एस हो जाएगा।
प्रूफ करें क्या लाना था, प्रूफ करके लाना था 7 + 10² + cot² यहाँ पर आ गया 7 + 10² + cot². क्वेश्चन नंबर 9 है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a + cot a। यह आर एच एस है या एल एच एस है, यहाँ संकेत कह रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, दोनों क्या करना है अलग अलग, एल एच एस को आर एच एस दोनों को साथ में लेके चलना है, इसको हम एल एच एस मानेंगे, इसको हम आर एच एस मानेंगे, तो एल एच एस को नीचे लिखेंगे cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a + cot a। तो cosec को हम 1/sin लिख सकते हैं माइनस साइन ए का साइन ए, सेक को 1/cos ये cos के cos रहेगा, 1 के 1 हो जाएगा, टेन को हम टेन को साइन ए बटा cos लिख सकते हैं, cot को हम cos ए बटा साइन लिख सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं थे कि इसके बटा में कुछ नहीं थे डाल लेंगे, इसको क्या करेंगे बटा पर के घटाव करेंगे, घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा साइन ए आएगा, साइन ए से ये कट गया यहाँ 1 बचेगा, 1 से भाग करेंगे तो साइन साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस ए आएगा, कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ 1 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब इसको बटा पर जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे तो इसका कॉस साइन का एलसीएम कितना होगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर, ये साइन साइन कट तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, अब 1 - sin² का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर बटा जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू हटेगा तो क्या गुना हो जाएगा 1 - cos के फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर बटा जाएगा यहाँ पर cos बराबर ये 1 के 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर डाल देंगे हम साइन कॉस जब 1 डाल देंगे बटा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितना है 2 है यहाँ पर 1 है तो 1 से यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 है यहाँ 1 है तो 1 स्क्वायर से यह कट जाएगा, अब ऊपर में कितना कॉस बच गया यहाँ पर 2 था तो 1 कट गया 1 बच गया कॉस ए यहाँ गुना के इंटू होता है या साइन से 1 साइन कट गया 1 साइन बच गया यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ए, अब इसको क्या करेंगे बटा पर के भाग में भर लेंगे तो यह नीचे एक ऊपर चला जाएगा तो यह क्या जाएगा 1/ इसके क्या है कुछ नहीं है इसके कुछ नहीं 1 यह साइन यह ऊपर चला जाएगा या वो नीचे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए इसके बटा में हो जाएगा 1 से 1 कट गया यहाँ पर जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बराबर कॉस ए इंटू साइन ए, तो तुम्हारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस बराबर है आर एच एस, यहाँ पर लिखना था संकेत दिया था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करके क्या करना था बराबर करना था, तो बायां पक्ष को अलग किए और दायां पक्ष को दोनों को अलग अलग कर दिए, बायां पक्ष किए तो इतना आया
और दायां पक्ष हो कि तभी इतना ही है, मतलब ए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 1 tan² / 1 cot² / 1 - tan² / 1 - cot² बराबर क्या दिया है tan स्क्वायर। इसको भी हल करके tan लाना है और इसको भी हल करके tan लाना है, तो पहले भी इसको हल कर लेंगे LHS को। ये तुम्हारा कितना है RHS, तो LHS को हल करेंगे तो इसको लिख लेंगे 1 tan² / 1 cot² तो 1 tan के फार्मूला क्या होता है, 1 tan के फार्मूला होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ये लिख सकते हैं इसके जगह पर बटा, इसका फार्मूला कितना था 1 cot के फार्मूला होता है cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 cot²। अब हम sec स्क्वायर को 1 cos लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 cos² और cosec के बटा लिख सकते हैं 1 हम लिख सकते हैं इसको sin² है। अब ये बटा पर का भाग है, इसको गुना में पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 cos² गुने ये sin ऊपर चला जाएगा sin² 1। अब ये वाइन से वाइन 1 कट जाएगा क्या बचेगा sin / cos बचेगा, sin² / हो जाएगा यहाँ पर cos² तो sin / cos क्या होता है tan होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं tan² तुम्हारा RHS आ गया। देखो इसको हल किए तो इतना tan² आ गया और फिर इसको हल करेंगे तो tan² आएगा। फिर दिया है 1 tan / 1 cot² बराबर क्या लाना है tan² लाना है, इसमें tan में चेंज करना है तो इसको क्या आया LHS है या RHS है इसको तोड़ना है तो 1 tan में लाना तो cot को tan में बदल देंगे हम, 1 cot का क्या होता है 1 tan इसका होल स्क्वायर, इसको हम 1 tan² इसके बटा में कुछ नहीं तो एक डाल देंगे, इसको बटा पर घटाव करेंगे हम, घटाव करें इसका LCM कितना आएगा tan आएगा, यहाँ हो जाएगा tan या tan से tan कटेगा तो क्या देगा -1 देगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे यानी बटा का भाग इसको गुना में चलेंगे तो क्या है ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें, इसको हम लिख सकते हैं tan² - tan² या इसमें चाहे गुना में चला जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर tan बटा क्या हो जाएगा tan² - 1। यह क्या जो यहाँ बट्टा पर यह क्या है ये दो ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के नीचे है तो यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसमें इससे गुना जाएगा तो इसको इंटू में डाल क्या करेगा tan ऐसे इसमें गुना कर देंगे, यह बट्टा का बट्टा नीचे रह जाएगा। अब यह दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है लेकिन चीज दोनों क्या अलग अलग है, यह -tan है या +tan है तो इसको क्या करेंगे हम माइनस में चेंज करेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है tan A - 1 लिखा है तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले 1 है तो यह -1 + tan A कर सकते हैं इसको हम, या -1 की इधर आने देंगे और tan को इधर आने देंगे। अब इसमें क्या है माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - tan A जो अंक जो कॉमन होता है उससे दोनों में क्या करते हैं भाग, इसमें माइनस कॉमन करिए तो माइनस इसमें भाग करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे -+ क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 - tan A या tan - 1 को क्या करेंगे हम अब लिख सकते हैं यहाँ पर 1 - tan A इसमें क्या के देखो यह दोनों सेम था लेकिन यहाँ क्या था यहाँ -tan था यहाँ +tan था,
इसको क्या किया, माइनस को हम वन को पहले लिया, टेन को बाद में लिया, इसको बाद में लाएंगे, इसको क्या करेंगे, टेन वन माइनस यह था, इसको माइनस वन को पहले प्लस टेन को बाद में लाएंगे, यह हमारे माइनस क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, माइनस जब कॉमन करेंगे तो यह माइनस से इसमें क्या होगा, भाग होगा, यह क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा, यह प्लस माइनस माइनस टेन हो जाएगा। अब एस से यह कट गया, इसको हम ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे, कट गया तो नीचे में क्या देगा, अब ये नीचे में तुम्हारा माइनस का माइनस रह गया, अब इसको हम बराबर में लिख सकते हैं, टेन या माइनस, ये माइनस ये तो कट गया, माइनस बच गया, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करते थे क्या होता है, प्लस होता है, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर है, जब भी देखता है यहाँ माइनस रहेगा, जैसे माइनस वन है, माइनस वन के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस को दो बार गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।